हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमयू बीटेक एग्ज़ाम के बारे में। एक नई वीडियो एएमयू बीटेक के बारे में जानेंगे, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, उसके फॉर्म के बारे में जानेंगे, उसके एग्जाम डेट के बारे में जानेंगे, सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको एएमयू ट्रिपल ई शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, ये इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती है। अब जनरली जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जितने भी टॉप के कॉलेजेस हैं, दैट इज लिंक थ्रू विद जेई। बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर सपोज आपका किसी वजह से जेई आप सही से नहीं लिख पाए, जेई के एग्ज़ाम का अच्छा नहीं है, फिर भी आपके पास एक ऑप्शन एएमयू का होता है, ठीक है। इसलिए एएमयू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इसका जो रैंक है तुम देख सकते हो 32nd है इंजीनियरिंग के इसमें, बाकी इसमें और भी ज़्यादा अच्छा है। 32nd इसका रैंक है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये गुड कॉलेज है जिसकी फीस भी बहुत कम है। तो अगर एक स्टूडेंट है, क्योंकि जनरली जो है वो फी जो है 1-1.5 लाख से ऊपर लगती है इंजीनियरिंग नॉर्मल कॉलेज में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती और इसकी जो फी है वो बहुत कम है। और अगर आप गुड स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम जो एक बार ज़रूर दे के देखना चाहिए, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम के ओवरव्यू के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका फुल नेम जो है वो क्या है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, एएमयू इंट्रेंस टेस्ट भी इसको कह सकते हैं, जिसको कंडक्ट कराती है खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जो फ्रीक्वेंटली ऑफ टेस्ट है, जो फ्रीक्वेंसी यानी कि एक साल में कितनी बार होता है, तो ये एक बार ही होता है। एग्जाम का लेवल क्या है, यूनिवर्सिटी एग्जाम लेवल है। लैंग्वेजेस जो है इसमें आपको इंग्लिश मिलती है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, और एग्जाम जो होता है वो आपको ऑफलाइन होता है, ठीक है, एग्जाम आपको ऑफलाइन आके देना पड़ता है। अच्छा, काउंसलिंग फिर आपकी ऑनलाइन होगी, और जो पार्टिसिपेटिंग कॉलेज है यहाँ पे 2 है, एंड एग्जाम ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटे का। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो कैंडिडेट जो होगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं करते हैं, तो उनका एग्जाम या कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। एक तो मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए, 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, उसका एग्रीगेट में इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मतलब पीसीएम में भी 50% होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए, ठीक है, पीसीएम और इंग्लिश मिला के 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब हम डेट्स के बारे में जान लेते हैं कि 2024 में कौन से डेट में हमारी सारी चीज़ें होंगी, ताकि हम अभी से उसमें प्रिपेयर कर सकें उस तरह से। सबसे पहले जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो फरवरी में आता है, ठीक है, फरवरी से मार्च के बीच में। ये डेट ऐसे ही लिखा हुआ टेंटेटिव इसी के आसपास आता है कि 15 फरवरी से 15 मार्च या 20 मार्च तक। फिर साथ कुछ दिन तक फाइन के साथ चलता है, लेट फी के साथ चलता है, तो वो 25 तक चलेगा। फिर उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है कि आपने अगर कोई गलती कर दी, लेकिन बहुत बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी अगर किसी ने गलती कर दी तो उसके लिए करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होता है। फिर एडमिट कार्ड रिलीज होगा 15/4, एंड जो एग्ज़ाम होगा वो 10/5, ठीक है, 10 मई को, 12 मई, 13 मई से 15 मई के दरमियान होता है, ये आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। अभी तो जनरली जो इस बार जो हुआ है वो 1 हफ्ता पहले से एडमिट कार्ड है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम का डेट आपको पहले से ऑफिशियल नोटिस की तरफ मिल जाएगा, जो आपको बाद में कन्वे कर देंगे। अच्छा, उसको फिर आप चैलेंज कर सकते हैं 10/5 तक, आंसर की चैलेंज डिस्प्ले, सॉरी क्या कह रहे हो, आंसर की आ जाता है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो होगा वो 10/6/2024। अब फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है वो हमारी 900 है। उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी उसने इंस्ट्रक्शन दे रखा है उसको एक बार पढ़ करके फॉलो करना पड़ेगा। स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर एएमयू एंट्रेंस एग्जाम बीटेक 2024 हैव टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ऑफिशियल साइट। एप्लीकेशन फॉर्म जो का वो आप उसके ऑफिशियल साइट से अपलोड करेंगे। एक बार ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाता है, मतलब अगर एक से ज़्यादा हमने कर दिया तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक पीसी, एक लैपटॉप जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको होना चाहिए, आपने 10th कब किया, 12th कब किया, है ना, स्कैन कॉपी, फोटो बैकग्राउंड, उसको थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड की एक फोटो होनी चाहिए, एक सिग्नेचर लगेगा और एक थंब इंप्रेशन लगेगा। थंब इंप्रेशन यानी कि तुम एक पेज पे थंब इंप्रेशन डाल दो, उसको जो है स्कैन करके अपलोड कर दो, और जो फोटो की साइज होगी वो 200 KB से ज्यादा की नहीं होगी। एक फंक्शनल ईमेल होना चाहिए,
पेरेंट ईमेल की भी ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे एसएमएस जाएगा एक्टिवेशन के लिए, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम, ये सारी चीज़ें अवेलेबल। ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एग्जामिनेशन बुलेटिन ब्रॉचर को पढ़ें सही से, ताकि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके पार्ट टू के साथ कि इसकी तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस कैसे है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।